भाभी तेरा टिफिन रेडी हुआ? हाँ लो ना। भाभी हाँ? ये रूखा सूखा ब्रेड क्यों डाल दिया है? पराठे बना देती। अच्छा ठीक है रुको मैं पराठे बना देती हूँ। रहने दो, लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए। रोज रोज पराठे चाहिए इनको, एक दिन खुद नहीं बना सकती। बहू चाय बनी क्या? हाँ माँ जी बन गई है, ला रही हूँ। ला रही हूँ माँ जी, ला रही हूँ। तसल्ली भी नहीं है। तो अच्छा अंकल जी मैं चलता हूँ फिर। अरे चाय पी के जाते ना। नहीं फिर कभी। ठीक है अगले महीने जब फसल का हिसाब होगा तो मैं फोन करके भाई साहब को बता दूंगा। ठीक आइए चलिए बस। माँ जी चाय। सो रही थी क्या? रोहित बिना चाय पिए ही चला गया। अब वो मैं ज्योति के लिए नाश्ता बना रही थी इसलिए देर हो गई। अच्छा ठीक है जा नूतन को भी चाय दिया। जी। हमें मोबाइल चाहिए। पागल हो गया तुम? मोबाइल चाहिए तुम्हें? तुम्हें याद है पिछली बार जब तुमने जिद की थी अपने मनपसंद कपड़े पहनने की तो माँ बाप माने नहीं थे। वो तो मैंने मनाया तब जाके माने, और मोबाइल के लिए तो कभी नहीं मानेंगे रुचि। तुम्हें पता है ज्योति ने भी एक बार मोबाइल मांगा था, माँ पापा नहीं माने, कॉलेज जाना बंद करा दिया, बहुत गुस्सा किया उसको। फिर मैंने जाके बात की तब जाके पापा माने, मोबाइल के लिए कभी नहीं मानेंगे। वैसे तुम्हें मोबाइल चाहिए क्यों? 6 महीने हो गए हमारी शादी को लेकिन एक हफ्ता भी ठीक से साथ में नहीं रहे हैं। शादी के तीसरे दिन ही काम पे चले गए थे और महीने में एक बार आते हो वो भी 2-3 दिन के लिए फिर चले जाते हो काम पे। पता है हम कितना तड़पते हैं तुम्हारी याद में। मोबाइल होगा तो जब दिल करेगा तुमसे बात कर लिया करेंगे। रुचि पापा के मोबाइल से भी बात हो जाती है ना। और रही बात तड़पने की तो तुम्हें क्या लगता है तुम ही प्यार करती हो हमसे? हम नहीं करते? नहीं हम भी तो तड़पते हैं ना, इसीलिए पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आए हैं। सच्ची? हाँ। और तुम्हें लगता है कि बाबूजी तुम्हें 1 महीना यहाँ रहने देंगे? अरे तुम चिंता मत करो, बाबूजी को बता दिया हमने कि 1 महीने तक ट्रांसपोर्ट का काम बंद है। 1 महीने तक सब कुछ भूल जाओ, अब 1 महीने तक मजे करेंगे। खुश हो ना आप? हाँ जी हाँ जी, जैसे ही ज्योति के इम्तिहान हो जाएंगे हम उसकी चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। जी 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 नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। किससे बात हो रही थी जो इतने खुश लग रहे हैं? रामदास जी से, वो कह रहे थे उनके पूरे परिवार को हमारी बिटिया ज्योति बहुत पसंद है, शादी की तैयारी करने को कह रहे थे। पर हमने भी कह दिया 6 महीने तक तो सवाल ही नहीं जब तक ज्योति का इम्तिहान चल रहा है। आपको कब से ज्योति के इम्तिहान की फिक्र होने लगी? अरे इम्तिहान तो बहाना है, इतना पैसों का इंतजाम करने में भी तो टाइम लगेगा ना, 3-4 लाख का इंतजाम करना है। ये नूतन कहाँ है? वो अपने कमरे में। नूतन बेटा नूतन। जी पापा। सुनो बेटा मैंने वो दूसरे ट्रांसपोर्ट वाले से बात कर ली है, उनको एक नए ड्राइवर की जरूरत है, तू आज ही जाके काम पर लग जा। वैसे भी 1 महीने तक घर में पड़े पड़े करेगा क्या? पापा 1 ही महीने की तो बात है और नई नौकरी करके मैं क्या करूँगा? बेटा इम्तिहान होते ज्योति की शादी करनी है, शादी के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा जब तू 1-1 महीने तक ऐसे घर पर पड़ा रहेगा? पापा मैं ये सोच रहा था कि अगर आप। मैं सब समझ रहा हूँ तू सोच क्या रहा है, तेरी शादी करा के बहुत बड़ी गलती कर दी, शादी करते ही तू अब कमरे से बाहर निकलने का तेरा मन ही नहीं होता है। बेटा बीवी का पल्लू छोड़ और तैयार हो जा,
आज ही काम पर लग जा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल जा। जी पापा। रुचि, जब तक नूतन नहा धो के तैयार होता है तो उसके लिए खाने के लिए कुछ बना दे। जी बाबूजी। क्या कर रहे हो जी, कल ही वापस आया और आज भगा रहे हो उसे, दो चार दिन रुकने देते। अब तू हमें समझाएगी घर कैसे चलाना है? तू अपना चूल्हा चौका संभाल, वही आता है तुझे, दुनियादारी छोड़ दे हमारे लिए। समझा रहे हैं। बहू, ओ बहू, बहू। जी माँ जी। बहू मेरी दवाई का टाइम हो गया, दवाई लेकर आओ। हाँ जी। जल्दी लेकर आओ, आज इतना लेट हो गया था ना? कॉलेज की छुट्टी बहुत देर से हुई इसलिए। माँ जी आपकी दवाई। पानी लेकर। भाभी मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ नौकरानी समझ के रखा है, ये बना दो वो बना दो, खुद क्यों नहीं बना लेते। माँ भाभी का मूड ऑफ है क्या? बहुत गुस्से में लग रही है। नूतन चला गया ना इसलिए। भैया चले गए? उन्होंने कहा था एक महीने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा उसे रुकने देंगे ना एक महीने के लिए? हाँ कल आया और आज भगा दिया, स्टेशन गए छोड़ने के लिए। हाँ बाबूजी बोलिए। हम बोल रहे हैं। अच्छा सुनो ना, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रुचि हम तुमसे कितनी बार कहे हैं कि हमें रात में फोन मत किया करो, हम ड्राइव कर रहे होते हैं, दिन में फोन क्यों नहीं करती? क्योंकि दिन में हम घर का काम करते हैं और बाबूजी भी घर पे नहीं होते जो उनका फोन लेके तुम्हें कॉल कर सके। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें कल खुद फोन करेंगे, ठीक है? अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, रखो। अरे बात तो सुनो, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। रुचि बात हो गई नूतन से? क्या बात की? कुछ नहीं। अरे रुचि चाय बन गई क्या? लाई बाबूजी। भाभी मेरा टिफिन भी लेते आना। पापा वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, नोटबुक्स लेने हैं। बेटा नोटबुक्स मैं ले आऊंगा, वैसे भी शीला को लेके डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लौटते समय ले आऊंगा। जी पापा। टिफिन। थैंक यू बाबूजी। चाय। मैं चलती हूँ। वो बाबूजी आप अपना मोबाइल देंगे क्या, उनसे बात करनी थी। इतना सुबह सुबह? अरे अभी नूतन सो रहा होगा, शाम को बात कर लेना। बाबूजी मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए मायके हुआ हूँ। हाँ हाँ चली जाना, लेकिन नूतन को आ जाने दे, तब तेरा ऐसा अकेला जाना ठीक नहीं लगेगा। चलिए जी। चलो चलो देर हो गई, आ जा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। और कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अंकल दिखाई नहीं दे रहे कहीं? हाँ वो माँ जी को लेके डॉक्टर के पास गए हैं, आते ही होंगे। तुम बैठो ना, मैं पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। नूतन भैया भी दिखाई नहीं दे रहे, वो भी चले गए क्या? हाँ उन्हें तो गए हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया।
बहुत बेकार है तुम्हारे भैया। देखो ना, हमें अकेला छोड़ करके चले गए। बहुत तड़पते हैं हम। अच्छा अब तुम ही बताओ, कोई अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर ऐसे जाता है क्या? रोहित, क्या तुम हमारा अकेलापन दूर करोगे? हाँ भाभी, ये सब क्या? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। क्यों रोहित, कब आए? बस अभी अभी आया अंकल जी। और घर पर सब ठीक है? सब बढ़िया है, बस कृपा है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अच्छा वो पैसे? हाँ, ये है 50,000 बाजरे की फसल के, बाकी मैं घर आके हिसाब कर दूंगा। जी ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अरे चाय पी कर जाओ ना। नहीं आंटी, फिर कभी, अभी लेट हो रहा हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। बाबूजी आपको कुछ चाहिए क्या? रुचि, उस रोहित के साथ आज तू दिन में क्या कर रही थी? देख, मैं तेरी परेशानी समझता हूँ। नई नई शादी हुई है, नूतन भी घर में ज्यादा देर नहीं रुकता है, लेकिन उसका जाना भी जरूरी है। पर तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, समझ रही है ना? बाबूजी ये सब बहुत गलत है। देख रुचि, मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। देख, तू बाहर किसी और के साथ मुंह काला कराएगी, उससे अच्छा है घर की बात घर में ही रहे। डर मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भाभी, क्या हुआ ज्योति, क्या चाहिए? माँ, कॉलेज का टाइम हो गया, भाभी को ढूंढ रही हूँ सुबह से। मेरा नाश्ता भी नहीं बना अभी तक, पता नहीं कहाँ है। 8 बज गए, अभी तक नहीं उठी? तो रुक, मैं देखती हूँ। बहू, अभी तक नहीं उठी? क्या हुआ माजी? क्या हुआ बहू, अभी तक तुमने उठी नहीं? माजी मुझसे काम नहीं होगा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, देखिए। अरे बुखार तो नहीं है, फिर क्या हुआ? मैंने कह दिया ना, मुझसे काम नहीं होगा। बहू, बहू, क्या शोर मचा रहे हो तुम दोनों, क्या हुआ? अरे देखिए ना, बहू कह रही है कि वो काम नहीं करेगी। ठीक है तुम दोनों चलो, मैं देखता हूँ। क्यों रुचि, क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? देखिए, हमसे ये घर का काम धाम नहीं होगा। वो क्या है ना, ये लोग दिन भर हमसे नौकरों की तरह काम कराते रहते हैं, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए ना, एक आप ही तो हैं इस घर में जो हमें समझते हैं। आप समझाएंगे ना इन लोगों को कि हमें परेशान ना करें? हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, आज से तू घर का कोई काम नहीं करना। मैं बोल दूंगा शीला को, घर का पूरा काम ये माँ बेटी करेंगी, ठीक? क्या हुआ, क्या कह रही है? कह रही है तबीयत खराब है और तुम लोग उसे परेशान कर रहे हो। खुद तुम लोग एक दिन के लिए घर का काम नहीं कर सकते? ज्योति तू किचन में जा, अपना नाश्ता बना और मेरे लिए चाय भी बनाना, मैं नहा के आ रहा हूं।
ज्योति तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ बना के लाती हूँ। माँ रहने दो, आज मैं कुछ बाहर से ही खा लेती हूँ। फिर बहू, अरे बहू मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, मेरी तबीयत खराब है, जरा दवाई ला कर दे दे। माँ जी मैं बहू हूँ इस घर की, कोई नौकरानी नहीं हूँ जो जरा जरा से काम के लिए मुझ पे हुक्म चलाती रहती हो। अरे दवाई तो खुद भी खा सकती हो ना। ये कैसी बात कर रही हो तुम, हाँ तमीज लिहाज कुछ है कि नहीं? लिहाज है इसलिए समझा रही हूँ, आज से अपना काम धाम खुद देख लेना, मुझसे नहीं होगी तुम लोग की गुलामी। भाभी आप माँ से कैसे बात कर रही हो, तू तो चुप कर ज्योति, तू भी बहुत हुक्म चलाती है मुझ पर। भाभी चाय बना दो। भाभी नाश्ता नहीं बनाया। अरे खुद भी कभी कुछ काम कर लिया कर, खा खा के ऊटनी हो रही है, लेकिन काम के नाम पे दम निकलता है तेरा भी। भाभी बहुत बोल रही हो तुम, अपने बाप का खाती हो, तुम्हारा नहीं, ताने क्या मार रही हो मुझे? हाँ बाप का खाती है ना, तो अब से बना करके खाना ठीक है, मुझसे नहीं होगा तुम लोग का ये काम धाम। पापा अब देख रहे हो भाभी कैसे लड़ाई कर रही है तब से, पता नहीं इसे क्या हो गया है, जब से न्यूतन गया है ना पागल सी हो गई है ये। तुम लोग भी कम नहीं हो, सुबह समझाया था ना उसे परेशान मत करो, फिर क्या जरूरत थी उसे काम के बोलने की? पापा आपने देखा नहीं भाभी कैसे लड़ाई कर रही थी, अब उन्हीं की साइड ले रहे हो? अरे तो वो गलत क्या बोल रही थी है? देख ज्योति तू बच्ची नहीं है, कल को तू ससुराल जाएगी तो वहां भी ऐसे हुक्म चलाएगी, जितना जल्दी से जल्दी तू घर का काम सीख ले उतना अच्छा है, आज से रसोई तू ही बनाएगी समझी? ये कैसी बात कर रहे हैं आप, आप उसे डांटने के बजाय आप ज्योति को डांट रहे हैं? देखो शीला मैं नहीं चाहता कि घर में किसी तरह का कोई क्लेश बढ़े, इसीलिए कान खोलकर तुम दोनों सुन लो, रुचि से कोई भी किसी काम का नहीं बोलेगा, आज से घर का कामकाज तुम दोनों ही करोगे। पापा और हाँ आज के बाद घर में किसी भी तरह से तू तू मैं नहीं होनी चाहिए, अगर हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझे? पापा मेरी रुचि तुम यहाँ क्या हुआ? वो हमें उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ ये लो मोबाइल बात कर लो। अरे कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि इतनी देर से आ रहे हैं? हाँ चले गए। ज्योति इतनी रात को तो यहाँ क्या हुआ? माँ वो मेरे इम्तिहान चल रहे हैं ना, तो वही पढ़ाई कर रही थी, प्यास लगा तो पानी पीने आ गई। अच्छा अब सोई नहीं? वो जाने तो तुम्हारे पापा को देखा तुमने? पापा नहीं कमरे में नहीं है। नहीं है पता नहीं कहाँ चले गए। बंद करो तुम लोग जाके सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। चिल्लो भर पानी में डूब मरो तुम दोनों, ये सब रासलीला करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार भी अपनी बेटी के बारे में सोचा तुमने? उसमें क्या होता?
सास बनकर। निकल यहाँ से। ये सब ना इस चुड़ैल की वजह से हुआ। मैं तेरे लिए जान ले लूँगी। छोरी, क्या क्या बोल रही है? छोरी, आज तेरी कहानी खत्म कर दूँगा। बहुत ताए ताए कर दूँगा। छोरी मार, मार डालूँगा तुझे। जान ले लूँगा। जान ले लूँगा, मार डालूँगा। एक चीज कान खोल के सुन लो तुम दोनों, आंख और मुंह बंद रखना। अगर नूतन को इसके बारे में कुछ पता भी चला, वो दिन तुम लोग की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चल निकल, निकल, चल। चलना चाहिए, उसे पता चला, पता नहीं वो क्या करेगा। अगर ये बात घर के बाहर गई तो दुनिया वाले तू तू करेंगे। माँ, तो क्या हमेशा जिंदगी भर हम यही रहेंगे इस नरक में? कैसे चलेगा माँ? नहीं बेटा, बस एक बार तेरी शादी हो जाए, तू इस घर से अच्छे से विदा हो जाए, बस उसके बाद मैं खुद नूतन को बता दूंगी, वो ही इन दोनों को सबक सिखाएगा। तब किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी शादी नहीं होगी बेटा। माँ, मुझे नहीं करनी शादी वादी। हम मेरा छोड़िए, हमें इनके बारे में सोचना होगा, इनके साथ क्या करना है। तू शादी नहीं करेगी, तू जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। बेटा, मैं ये सब बर्दाश्त कर रही सिर्फ तुम्हारी वजह से बेटा, और तू कह रही है कि तू शादी नहीं करेगी। माँ, मुझसे आपकी हालत हालत नहीं रहने जा रही। अब कैसे हो आप लोग? भैया, ये रो क्यों रही है? वो तू इतने दिनों बाद आया है ना, तुझे देखकर वो भूख हो गई। तू बता, तू कैसा है? माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन आप लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। रसूमी क्या कर रहे हो? एक मिनट, रुचि कहाँ है? रुचि आ गए अब? तुम अंदर और माँ किचन में। अरे वो मैं बाबूजी को चाय देने गई थी, और माँ जी आपसे कितनी बार कहा है कि आराम किया करो, क्या जरूरत है काम करने की। लेकिन देखो ना, मैं चाय क्या देने गई, माँ जी आप तो सीधा किचन में आ गई। अब चलिए आप आराम कीजिए, मैं काम करती हूँ ना। बस करो। हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। भैया मुझे आपको कुछ पता। क्या बताना है इसको? पापा खुश रहो, खुश रहो। इस बार भी छुट्टी लेकर आए हो या फिर काम ही छोड़ा है? कैसी बातें कर रहे हैं पापा? नहीं, सही कह रहा हूँ। आज सुबह तुम्हारे पुराने मालिक का फोन आया था, बता रहा था कि पिछली बार भी तुम एक महीने की छुट्टी लेकर आए थे, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि ट्रांसपोर्ट की छुट्टी है। पापा, मैं आपको बताने वाला था बस, लेकिन क्या बताने वाला था बेटा? मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी शादी करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। तुम नकारा हो गए अपनी बीवी के चक्कर में। घर में जवान बहन है, तीन चार महीने में उसकी शादी है, कहाँ से आएगा पैसा? बेटा जो भी है साफ साफ बताओ, नहीं होगा तो मैं खुद शहर जाकर के कोई काम धंधा शुरू कर लूंगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपाहिज नहीं, मैं अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख सकता हूँ। पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से झूठ बोलूंगा ही नहीं आपसे। वो मैं कुछ मेरे इस महीने के पगार। चल माफ किया,
अच्छा ये बता, तेरे पुराने मालिक को बोलूं क्या? वो बोल रहा था कि अगर आज शाम तक तू वहां नहीं पहुंचा तो कोई नया ड्राइवर रख लेगा वो। नहीं पापा, मैं शाम को निकल जाऊंगा। फिर ऐसा कर, तू अभी आराम कर और शाम की ट्रेन से निकल जा। जी पापा। हाँ बहू, नूतन को कमरे में ले जाओ। क्या बोलने जा रही थी तू नूतन को? मेरी शिकायत कर रही थी, जान से मार दूंगा तुझे। चल दूर दूर। जान ले लूंगा तेरी। हाँ बताएगी नूतन को कुछ? मैं अपने हाथ के पैर पकड़ के छोड़ ऐसे ये कुछ नहीं बताएगी नूतन। कान खोल करके सुन लो तुम दोनों, अगर नूतन को कुछ पता चला तो तुम दोनों माँ बेटी को काट के रख दूंगा, समझी? ऐसे क्या देख रहे हो रुचि? हमें माफ कर देना, हम तुम्हें बिल्कुल भी समय दे नहीं पा रहे हैं। वो क्या है ना, ज्योति की शादी का सवाल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ ही महीने में उसकी शादी हो जाएगी ना, तब हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सच्ची? और जाएंगे तो अपनी रुचि को साथ लेकर जाएंगे। अच्छा जी। नूतन अगर आराम हो गया हो तो बाहर आ जा, ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ पापा जी, पापा जी बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा। नहीं। हाँ नहीं। अरे फिर से आ जाएंगे। हाँ हाँ छोड़ा है। पता है मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा ज्योति हमारा भांडा फोड़ देगी। अरे मेरे रहते तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से समझा दिया मैंने ज्योति को, किसी को बताना तो दूर, अब वो बताने के बारे में सोचेगी भी नहीं। अच्छा। तो इसका मतलब हम दोनों के बीच अब कोई नहीं आ सकता? अब कोई नहीं आ सकता। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, तब तक मैं फैमिली से बात करता हूं। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? साहब, जब सुबह मैं अपने कमरे से बाहर निकली तब मैंने देखा कि बहू का कमरा खुला पड़ा और वो जमीन पे पड़ी हुई थी, और जब मैंने नजदीक देख के देखा तो वो मरी हुई पड़ी थी। बेटा कहाँ है आप? साहब वो काम पर गया है साहब, वो ट्रक ड्राइवर है, दिल्ली के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, कल ही गया है साहब। अजीब बात है, कल ही आपका बेटा गया और आज आपकी बहू का खून हो गया, ऐसा क्या हुआ? सर मैं बताती हूँ। देखिए इस घर में एक खून हुआ है और शक के दायरे में आप सब लोग हैं, तो अच्छा यही होगा कि जो भी सच है जल्दी से जल्दी बता दीजिए। बोलो क्या कहना चाह रही थी? ये बाप नहीं है, ये जानवर है। नहीं जो भस्मा।
नहीं रहूंगी भाभी के पापा के साथ अवैध संबंध थे भैया तो बाहर ही रहते थे काम के सिलसिले में जिस बात का फायदा उठा के पापा ने भाभी के साथ नाजायज संबंध बनाना शुरू कर दिया हमने इनके खिलाफ आवाज उठाई ने रोकने की कोशिश की तो हमें मार पीट के चुप करा दिया कल जब नूतन भैया आए थे तो इससे पहले कि हम उन्हें कुछ बता सके ना इन्होंने मुझे भगा दिया सर मुझे तो लगता है ना पापा ने ही भाभी को मारा इन्होंने ही मारा भाभी को नूतन को पता था इस बारे में इससे पहले कि मैं और माँ उन्हें कुछ भी बता सके इन्होंने भगा दिया भैया को हम कुछ बता ही नहीं पाए साहब ये जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है साहब मैं पापी हूँ मैंने जो किया साहब गलत किया साहब लेकिन मैंने रुचि को नहीं मारा साहब मेरा विश्वास कीजिए नहीं मारा मैं तो रात 10 बजे उसको छोड़ करके अपने कमरे में चला गया था साहब और सुबह फिर शीला की चीख सुन के बाहर आया शर्म नहीं आई तुझे अपनी जवान बेटी का भी लिहाज नहीं किया अपनी बहू के साथ में संबंध सही कह रही है तेरी बेटी तू आदमी नहीं जानवर है जानवर और गलती आप लोगों की भी है अगर आप पहले ही पुलिस के पास आ जाती तो ये सब नहीं होता नंबर दीजिए नूतन का 9322 और तो ऑफ आ रहा है जी सर मैंने भी लगाया था सर बंद आ रहा है शर्मा नूतन का सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करो हो सकता है उसे इस संबंध के बारे में पता चल गया हो और उससे में आकर उसने अपनी पत्नी को मार दिया हो और फिर भाग गया उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन सब निकालो पता नहीं कहां छुप कर बैठा हुआ है नूतन फोन स्विच ऑफ आ रहा है लगातार अरे साहब आप कुछ पता चला साहब किसने किया नहीं लेकिन रुचि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के हिसाब से उसका मर्डर सुबह 4 बजे के आसपास हुआ और उसी चाकू से हुआ जो हमें कमरे में मिला चाकू पर किसी आदमी के फिंगरप्रिंट्स भी हैं हो सकता है वो नूतन के ही हों हमने उसके मोबाइल की लोकेशन भी चेक की जो यहीं की थी और दिल्ली का वो जो ट्रांसपोर्टर है उससे भी पता किया उसने बताया कि वो वहां नहीं पहुंचा तो मतलब साफ है कि नूतन ने ही रुचि को मारा उसे किसी तरह से आपके संबंध के बारे में पता चल गया होगा उससे में आकर उसने रुचि को मार दिया और फिर भाग कर कहीं छिप गया देखिए आप लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि नूतन के बारे में जो कुछ जानते हैं हमें बता दीजिए वो जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना अच्छा है साहब मुझे नहीं पता वो कहाँ है साहब मैं खुद कल से उसे कई बार फोन लगा चुका हूँ लगातार फोन स्विच ऑफ आ रहा है अच्छा ये जो आपके जमींदार का लड़का है रोहित इसका भी यहाँ काफी आना जाना था सर काफी नहीं लेकिन कभी कभार आता है सर जब भी फसल का हिसाब किताब करना होता है हमें पता चला है कि उस रात भी वो यहीं था जब रुचि का मर्डर हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका भी रुचि के साथ में संबंध और उसी ने रुचि को मार दिया हो सकता है सर क्योंकि कुछ दिन पहले ये आया था यहाँ पे फसल का हिसाब किताब करने मैं और शीला डॉक्टर के पास गए थे जब हम लोग लौट के आए तो मैंने देखा था वो दोनों एकदम चिपक चिपक के बैठे हुए थे लेकिन जैसे ही उन लोगों ने हमें देखा दूर हट गए साहब आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते साहब कल से वो भी गायब है उसके घर वालों का कहना है कि वो किसी काम से मुंबई गया है ज्योति जो तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में
रोहित का नाम सुनते ही तुम्हारे हाव भाव बदल गए। क्या छुपा रही हो? देखो जो कुछ भी है सब कुछ यहीं बता दो, वरना थाने ले जाकर पूछताछ करेंगे तुमसे। सर वो रोहित भाभी से नहीं मुझसे मिलने आता था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर, बचपन से, जब से उसके मम्मी पापा यही गांव में रहते थे। हम सबके सामने नहीं मिल सकते थे इसलिए हम छिप छिपा कर मिलते थे। उस रात को भी वो मुझसे मिलने आया था सर। रोहित तुम मुझे यहाँ से लेकर जाने वाले थे ना, तुम्हें पता है ना मेरे इम्तिहान के बाद पापा मेरी शादी करा देंगे। तुमने कहा था तुम मुझे मुंबई ले जाओगे अपने किसी दोस्त के घर पे, उसका क्या हुआ? मैं उसी सिलसिले में कल मुंबई जा रहा हूँ और वहां से लौट कर आते ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं ना यहाँ पर और एक पल नहीं रह सकती। प्लीज मुझे जल्दी ले चलो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे नहीं कहते, बस कुछ दिन की बात हो रहा है, कुछ दिन जैसे तैसे बिता लो फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, यकीन करो। मिलने के बाद वो अपने घर चला गया और मैं अपने घर आके सो गई। बस कितने बजे की बात है? सर करीबन 11-12 बजे की बात होगी। हेलो आसपास सर्च करो कुछ मिलता है क्या, और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। अरे 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 कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने बेटी के साथ, मुझे इस घर में नहीं रहना। तुम्हारे इस घिनौनी कर्तव्य की वजह से ये घर पूरा बर्बाद हो गया। मेरा बेटा मर गया, बहू मर गई। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ चलो ज्योति। साहब आप यहाँ और रोहित तुम? इसी ने मारा है आपके बेटे को। ये तो तय है कि रुचि को नूतन ने ही मारा था क्योंकि चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। लेकिन नूतन को रोहित ने अकेले नहीं मारा, इसके साथ कोई और भी शामिल था। ये ज्योति भी शामिल थी नूतन के खून में। क्यों ज्योति, तुमने हमें सच तो बताया लेकिन आधा अधूरा सच। हमें नूतन का मोबाइल पड़ा हुआ मिला और उसमें हमें वो वीडियो मिली जो तुमने उसे भेजी थी, उस मोबाइल से जो रोहित ने तुम्हें गिफ्ट किया था। उस वीडियो को देखने के बाद में नूतन ने रुचि को मार दिया। अब आगे की पूरी कहानी रोहित हमें बता चुका है, तो तुम हमें बताओगी या मैं इन सबको बताऊं? आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? बोलो ना कुछ, ये सच है? हाँ। भैया की मौत मेरे वजह से ही हुई है। इंस्पेक्टर सब सही कह रहे हैं। मर रोहित ने मुझे फोन दिया था ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके, और मैंने उस फोन को ना बहुत अच्छे से छुपा कर रखा था। पर उस रात जब मैंने पापा और भाभी को साथ में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उनका वीडियो बनाया और भैया को भेज दिया। उसके बाद रोहित ने मुझे कॉल किया, वो मुझसे मिलना चाहता था। हम घर के पीछे मिलते थे, करीब 4 बज रहे होंगे। उससे मिलने गई और भैया उसी समय भाभी को मार के निकल रहे थे और उन्होंने मुझे रोहित के साथ में देख लिया। ज्योति भैया इसके साथ मुकाबला कर लिया यहाँ पे? नहीं, लगता पूरे परिवार ने मुकाबला करने के लिए सोच लिया है। नहीं भैया, वो नूतन भैया हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब तो मैं बाहर में दिखूंगा
पहले जरा उसको देखता हूँ। भाई मैं बस भैया। रुचि को तो मैंने मार दिया, एक तू ही बच गई है। इसके साथ भागेगी, मुंह काला कराएगी ना तू। नहीं। इससे अच्छा तो मर जा तू। नहीं, मर जा तू। हमें ना जल्द से जल्द हमें इनकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। एक काम करते, इनकी लाश को छिपाते, जल्दी आओ। मैं और रोहित ने भैया को मार डाला और उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद रोहित अपने घर चला गया और मैं घर आके सो गई। चलो इन्हें। सब ठीक है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी।